आपकी बची हुई है, इंजन वारंटी इतनी है, ऐसा वैसा। भाई इंजन वारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? बाइक की वारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TFS राइड। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। सो गाइज, दिस इज़ अमर कुमार एंड आज का जो ये ब्लॉग है ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है। एंड इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद कोई डीलर या फिर कोई भी जो सेकेंड हैंड बाइक सेल करते हैं वो आपको नहीं बताते होंगे, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपसे मिस हो जाने वाली हैं। सो करते हैं स्टार्ट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वरना अपनी गाड़ी जो है वो इसी रफ्तार में निकल जाने वाली है और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो खैर, मजाक से हटके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स सेकेंड हैंड बाइक खरीदना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। सो भाई, सेकेंड हैंड बाइक की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो, मतलब मैं ये बोलूँ ना कि आपको अगर अच्छे लोग मिल गए तो आप एक अच्छी बाइक ले सकते हो, एक अच्छा सजेशन ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी। बट अगर आपको एक अच्छा डीलर नहीं मिल पाता है या फिर एक अच्छा इंसान नहीं मिल पाता है तो आपको जो बाइक मिलने वाली है आप उसको लेके ज़िंदगी भर रोने वाले हो। और ये मैं इस बात को लेके नहीं कह रहा, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, बहुत सारे आम पब्लिक को देखा है, अपना भी सर्कल है उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार इंजन की प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा आ रहा है, उसमें वैसा आ रहा है, इसकी इसमें इंश्योरेंस नहीं है, इसका ये पार्ट ख़राब है, वो पार्ट ख़राब है, उन्होंने ये गलत बता दिया, वो गलत बता दिया। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो इस टाइम पर वीडियो देख रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों को इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। आप अगर ऐसे लोगों को जानते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको बहुत अच्छे से हेल्प हो पाए। तो भाई, बाइक बहुत मिंट कंडीशन में है, 2022 का मॉडल है, 5 साल का इंश्योरेंस बचा हुआ है। और भाई आज की डेट में ना हर कंपनी का जो वारंटी है वो आती है 5 साल की या फिर एक पार्टिकुलर टाइम के किलोमीटर्स की वारंटी होती है। तो आपकी बाइक की, इस बाइक की वारंटी अभी तक बची हुई है, इंजन वारंटी इसकी 5 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की बची हुई है, मिंट कंडीशन की गाड़ी है, मात्र 3000 किलोमीटर चली हुई, ये पार्ट्स लगे हैं, ये पार्ट्स लगे हैं, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, 1 लाख का माल लगा है, 1.5 लाख का माल लगा है। भाई कम ऑन यार, दीज आर द चूतिया पास, ठीक है? इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमेशा गलत है, उसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशन बताने वाला हूँ। कि जब भी कोई आपसे ये बोलता है ना सेकेंड हैंड बाइक्स के लिए बेसिकली कि इस बाइक पे वारंटी आपकी बची हुई है, इंजन वारंटी इतनी है, ऐसा वैसा, भाई इंजन वारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? बाइक की वारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब भी आप सेकेंड हैंड बाइक्स परचेज़ करने के लिए जा रहे हो, हाँ एक उसमें ये रहेगा कि आपने अपनी बाइक का जो फर्स्ट ऑनर है अगर आपने उसको चेंज नहीं किया है, अगर आप अपने नाम पर बाइक करवा लेते हो, अगर आप सेकेंड ऑनर हो या फिर थर्ड ऑनर हो, तो भाई साहब भूल जाओ, आपको कंपनीज़ की तरफ से कोई भी वारंटी नहीं मिलने वाली है। अगर आपके RC पे मेंशन हो के आ जाता है कि आप इसके सेकंड ऑनर हो या फिर थर्ड ऑनर हो, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जितने भी आपको ये सुपर बाइक बेचने वाले या फिर नॉर्मल बाइक बेचने वाले लोग मिलेंगे ना, जो आपसे ये बोल रहे हैं कि वारंटी आपको मिलती है, वारंटी इसकी बची हुई है, भाई साफ मना कर दो और स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले लो कि अगर मुझे वारंटी नहीं मिली तो क्या मुझे पूरा पैसा वापस दोगे या फिर जो भी मेरी बाइक की कॉस्ट है वो मुझे मिलेगी, ठीक है? जो आपने पे किया है वो नहीं, जो डेप्रिसिएशन घटने के बाद हो जाएगी। तो इस बात का खासा ध्यान रखना, आप उनसे एट अ टाइम सेम टाइम आप ये वाला बात पूछो कि क्या इसकी वारंटी मुझे मिलेगी, ठीक है? बिकॉज हमारे लॉ में ये चीज़ें बिल्कुल मना है, हाँ, अनटिल अनलेस आपने अपना जो फर्स्ट ऑनर है उसको चेंज ना करवाया हो। लेकिन उस जगह पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप फर्स्ट ऑनर चेंज नहीं करवाते हो तो जो इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस का क्लेम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमेशा जो क्लेम है वो अपने जो बाइक के ऑनर हैं उनको देती है, या फिर अगर गलती से आपको आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी दूसरे बंदे की, उसमें कोई जो थर्ड पर्सन है उसको नुकसान हो जाता है, तो थर्ड पर्सन के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। तो इसीलिए जब भी आप अपना सेकेंड ऑनर में अपना नाम करवाते हो, आप बाइक आप अपने नाम करवाने वाले हो, तो उस टाइम पर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। हाँ, अगर आप सेकेंड ऑनर हो बाइक के या फिर कार के किसी भी व्हीकल के, तो उस टाइम पे
जो इंश्योरेंस में जो चीज़ें क्लेम होंगी, क्योंकि इंश्योरेंस अब आपके नाम से है, बाइक आपके नाम हो चुकी है, तो इंश्योरेंस जो होगा वो भी आपके ही नाम से होगा, तो उस जगह पे आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस का। अगर इंश्योरेंस क्लेम हो पाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, डोमिनार के इंजन वारंटी 75,000 किलोमीटर की है 5 ईयर्स के लिए, ओके। सो अगर मैं इस बाइक को, अभी मेरी बाइक चली है 21,900 कुछ किलोमीटर और इसको हुए हैं 1.5 से 2 साल, अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ और कोई सेकंड पर्सन इसको परचेज करता है, इस बाइक को अपने नाम करवाएगा और इसका सिलेंडर हेड या फिर इंजन का पार्ट कोई भी ख़राब होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़, जस्ट लाइक हेडलाइट हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जो वारंटी में क्लेम हो सकती है, वो उसको नहीं मिलने वाली है। हाँ, अगर वो इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम हो पाएगी तो डेफिनेटली उसको मिल जाएगी। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जब मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमसे कोई भी बंदा, कोई भी डीलर शेयर नहीं करता है। सो अगर कोई भी आपको ये कह रहा है ना कि वारंटी इसकी बची हुई है सेकेंड हैंड बाइक में, तो भैया साफ उस इंसान को हाथ जोड़ लो, क्योंकि वो इंसान आपके साथ में गलत काम करने वाला है, वो आपके साथ आपको बेवकूफ़ बनाने वाला है। और अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। तो इसी तरीके की इम्पॉर्टेंट वीडियोस को, इम्पॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप TFS राइड को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड, और अगर वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक वाला बटन जो है ना वो दबा दो, ये वाला, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग TFS राइड।